एक हमारे दर्शक की टिप्पणी आई है कि सुजलॉन शायद रह गया है, तो सर सुजलॉन 68 के आसपास पहुंचा, 75 से गिर करके, अभी क्या करना चाहिए सर? क्या अभी ये फिर से कंसोलिडेशन के फेज में जाएगा या दोबारा 52 वीक हाई की तरफ जाएगा? नतीजे खराब तो नहीं थे, नतीजे तो अच्छे थे, फिर वजह क्या रही कि उस तरह का मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिला? देखिए, सुजलॉन के नतीजे खराब नहीं आए थे, वो चीज देखने को मैं नहीं कहूंगा कि ऊपर नतीजे खराब देखने को मिले थे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एबिटा मार्जिन में, एबिटा में थोड़ा सा डिग्रोथ देखने को मिली, जिस तरह से मार्जिन बता रहे थोड़े से थे घट गए सीमित थे, करना। बिल्कुल। हाँ, तो वहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, तो ये इस वजह से आप देखेंगे कंपनी पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल बाजार एक्चुअली बिल्कुल भी मूड में नहीं है, कि थोड़ा भी जो स्टॉक चल गए हैं वहां पर थोड़ा भी रियायत देने को मूड में नहीं है। देखिए, हिताची एनर्जी का रिजल्ट आया, बेहतरीन रिजल्ट आया, लेकिन ऑर्डर बुक 19% सिक्वेंशियली गिर गई, स्टॉक पिट गया। तो देखिए, बाजार बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि किसी भी खराब स्टॉक को रिवॉर्ड करे, जो चल गया है, जो नहीं चला है गिरा पड़ा है, अगर उसका थोड़ा ठीक ठाक रिजल्ट आ रहा है तो स्टॉक उसको देखिए वेलकम कर रहा है, मार्केट उसको वेलकम कर रहा है। सुजलॉन देखिए, जब तक 74 के ऊपर सस्टेन ना हो, बुलिशनेस नहीं आएगी। दूसरी चीज, जो शॉर्ट अभी इसके अंदर बने, आज तो बाजार चलिए स्टैग्नेटेड है तो गिर नहीं रहा है, वरना हो सकता है इसके अंदर गिरावट आपको दिखाई दे आने वाले समय में। 62 रुपए तक एक बार गिरावट आ सकती है, 68 का भाव है, 62 रुपए से 54 रुपए पे देखिएगा स्टॉक कंसोलिडेट कर जाए तो एक बार दोबारा आप खरीदने की कोशिश करिएगा, या अदरवाइज 74 के ऊपर किसी एक प्राइस एक्शन में सस्टेन कर जाए 74 के ऊपर, तब आप इसके अंदर बुलिश होइएगा। तो इसके बाद ही आपको 95 तक के टारगेट पोजिशनली, अगर आप अभी मुझे 2 क्वार्टर का समय दें तो मुझे लगता है शायद इसके अंदर 95 तक के टारगेट खुलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर ये गिर गया, मतलब जो करंट कंसोलिडेशन जोन है 66 का, उसके तोड़ दिया, तो 54 रुपए तक का फॉल, 54 से 62 रुपए तक का फॉल बिल्कुल पॉसिबल।